सुपुतिन का है अलग अंदाज, फैमिली का क्यों छिपा रहे हैं राज, सब कुछ बताएंगे, राज से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में अगर किसी शख्स की चर्चा हो रही है तो वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन पर उनके हालिया कार्रवाई ने ये दिखा दिया कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। सुपर पावर की पावर को उन्होंने ऐसे लात मारी कि वो बाप बाप चिल्ला रहा है। नाटो भी अब उनके आगे शीश नपा रहा है। पुतिन ने दुनिया को बता दिया है कि हमसे जो टकराएगा अपनी शामत लाएगा। लिहाजा यूक्रेन को सहारे का सब्ज बाग दिखाने वाले यूरोपीय देश अब उसे युद्ध के मझधार में छोड़कर 9-2-11 हो गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके दिखा दिया है कि वो किसी की सुनने वाला नहीं है, खासकर जब बात धमकी की हो। भले ही वो धमकी सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना दे, लेकिन दोस्तों, जिस शख्स की दुनिया में इस समय इतनी चर्चा है, उसके परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन है पुतिन की पत्नी? पुतिन को कितने बच्चे हैं? उनकी शादी कब हुई? ये तमाम बातें एक रहस्य की तरह हैं, जिस पर आज तक पर्दा नहीं उठ सका। लेकिन आज हम आपको उस राज से रूबरू कराएंगे, पुतिन की पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी समझाएंगे जिसे आप जानना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आप ये सब जानने से महरूम रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुतिन की फैमिली की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, दुनिया में पुतिन को एक शख्स और ताकतवर लीडर के रूप में जाना जाता है। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यूक्रेन के मामले पर उन्होंने किसी भी देश की धमकी की परवाह नहीं की और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। क्रीमिया को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। उस समय भी दुनिया के देश उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन पुतिन ने किसी की एक नहीं सुनी। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दोस्तों, जिस समय पुतिन ने रूस की बागडोर संभाली थी, उसी समय उन्होंने अपना इशारा दुनिया को बता दिया था। पुतिन ने कहा था कि वो रूस को फिर से सोवियत संघ बनते देखना चाहते हैं। उनकी इस मंशा को उस समय दुनिया के देश समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब उसकी तस्वीर साफ होने लगी है, जिसके बाद लोग भयाक्रांत हैं। दोस्तों, इतने बड़े कद्दावर नेता होने के नाते उनके बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के बारे में शायद ही किसी को जानकारी है। दोस्तों, पुतिन की फैमिली से ज्यादा उनके अफेयर को लेकर उनकी चर्चा रही है। आखिर कौन थे पुतिन की वो गर्लफ्रेंड, जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि उससे पुतिन को बच्चे भी हैं। पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको पुतिन की फैमिली की पूरी दास्तान बताऊंगा। दोस्तों, दरअसल पुतिन का नाम जिस लड़की के साथ जोड़ा गया था, उसका नाम एलिना था। 1983 में उज़्बेकिस्तान में पैदा हुई एलिना के साथ पुतिन का नाम पहली बार साल 2008 में जुड़ा। एलिना एक मशहूर और सफल जिमनास्ट रही थी। उसने ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीते थे। इससे पहले 2000 में उसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। खेल से रिटायर होने के बाद वो राजनीति में शामिल हो गई और पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी से सांसद बनी। 2014 तक एलिना सांसद भी रही। हालांकि इस दौरान पुतिन हमेशा ही एलिना के साथ अपने रिश्ते को लेकर इनकार करते रहे। साल 2015 में भी इस तरह की खबरें उड़ी थी कि पुतिन ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी तक कर ली थी। 2015 में मीडिया में जारी उनकी गर्लफ्रेंड एलिना की तस्वीरों के आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। 2016 में एलिना शादी की अंगूठी के साथ दिखी थी। 2017 में ऐसी भी अफवाहें उड़ी थी कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे भी दावे किए गए कि एलिना जुड़वा बच्चों की माँ बनी है। रूस के एक अखबार का दावा है कि 36 साल की कबाएवा की वजह से ही कुलाकोव के अस्पताल के वीआईपी फ्लोर को खाली कराया गया था। हालांकि बच्चों के जन्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि डेली मेल ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि काबिएवा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इसमें कहा गया था कि सिजेरियन डिलीवरी में इटली के डॉक्टर ने मदद की थी। हालांकि रूसी क्रेमलिन की ओर से इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। 2018 के बाद एलिना को लेकर किसी भी तरह की जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन हाल ही के सालों में एक बार फिर वो चर्चा में आई हैं। दरअसल दोस्तों, पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में कई देशों के नेताओं, अफसर और मशहूर हस्तियों के नाम आए थे, जिनमें उनके वित्तीय रहस्यों को उजागर करने का दावा किया गया। इन पेपर्स में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी आया था। आरोप था कि पुतिन के सहयोगियों ने भारी मात्रा में धन अर्जित करने और वित्तीय लेन देन करने के लिए टैक्स हेवन खातों का इस्तेमाल किया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के सहयोगी गुप्त संपत्ति बनाने में जुटे थे। उनकी कथित गर्लफ्रेंड के स्वामित्व वाली एक कंपनी ने 30 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा था। पेंडोरा पेपर्स में पुतिन की गुप्त संपत्ति का भी जिक्र है। उनकी कथित तौर पर विदेश में स्थित एक कंपनी के बारे में भी खुलासा किया गया और दावा किया गया कि इसका स्वामित्व उनकी गर्लफ्रेंड के पास है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पुतिन से दोस्ती के बाद उनकी महिला दोस्त ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक फ्लैट, मॉस्को में कई संपत्तियां और एक क्रूज खरीदा है, जिसकी कुल कीमत $100 मिलियन से अधिक है।
दावा किया जा रहा था कि पुतिन के संपर्क में आने के बाद उस महिला के दिन बदल गए। अब नावलनी ने भी दावा किया है कि पुतिन सरकारी खजाने से एलिना को मोटा पैसा दे रहे हैं, जिस पर रूस के गरीब लोगों का अधिकार है। दोस्तों, पुतिन की निजी जिंदगी के एक पहलू से हमने आपको अवगत करा दिया। अब बात उनके जीवन के मूल पहलू की, जो उनकी शादी से जुड़ी है। दोस्तों, वास्तव में पुतिन के परिवार पर रिपोर्टिंग पर रूस में लगभग पाबंदी है, लेकिन ये पाबंदी अब टूट रही है। वहाँ की मीडिया ने पुतिन की बेटी और उनकी पूर्व पत्नी ल्यूडमिला के बारे में अनाधिकारिक तथ्य प्रकाशित किए हैं। 2012 में अपने जन्मदिन के मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी नियंत्रण वाली एनटीवी को अपने निजी जिंदगी में झांकने की इजाजत दी थी। इसमें उन्हें अपने दफ्तर में देर तक काम करते, नाश्ता करते और अपने निजी जिम में कसरत करते दिखाया गया था, लेकिन कहीं भी उनका परिवार उनके साथ नहीं दिखा। दोस्तों, यहां आपको ये बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 1983 में ल्यूडमिला से शादी की थी। वो कई भाषाओं के जानकार महिला थी। पुतिन और ल्यूडमिला की शादी 30 साल तक चली थी, जिनसे उनकी दो बेटियां भी हैं। पुतिन की बेटी भी एक गोपनीय जिंदगी जीती आ रही है, लेकिन अब उनकी कामकाजी और निजी जिंदगी की बातें सार्वजनिक होनी शुरू हो गई। द न्यू टाइम्स के मुताबिक पुतिन की बड़ी बेटी मारिया मॉस्को के एक रिहायशी अपार्टमेंट में फर्जी नाम से रह रही हैं। ये भी कहा गया कि एक वैज्ञानिक रूप में वो इंडोक्राइनोलॉजी सेंटर में काम करती हैं। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने हॉलैंड के रहने वाले एक आदमी से शादी कर ली है, और ये भी कहा गया कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। सोशल मीडिया की खबरों के आधार पर द न्यू टाइम्स ने कहा था कि मारिया एक महानगरीय जिंदगी जीती हैं, विदेशों का दौरा करती हैं और उनके बहुत सारे यूरोपीय दोस्त हैं। करीब एक साल पहले पुतिन की छोटी बेटी येकातेरिना रूसी मीडिया के सामने कैटरीना तिखोनोवो के रूप में आई थी। बताया जा रहा है कि येकातेरिना मॉस्को के सरकारी विश्वविद्यालय के एक प्रोजेक्ट इन्नो प्रैक्टिका की प्रमुख हैं। ये प्रोजेक्ट नौजवान वैज्ञानिकों की मदद करती है। इससे पुतिन के नजदीकी सहयोगियों का भी समर्थन हासिल है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तिखोनोवा किरिल सेंट पीटर्सबर्ग के पुतिन के एक नजदीकी सहयोगी के बेटे बताए जाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन की जिंदगी दरअसल एक रहस्य है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद इसके बारे में किसी को नहीं बताया। वो हमेशा हर चीजों को छिपाते रहे। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी का नाम उस वक्त लिया था जब उसे कोरोना की वैक्सीन लगी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान उनकी एक बेटी ने भी हिस्सा लिया। पहले चरण के वैक्सीनेशन के बाद उसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, जबकि अगले दिन ये 37 डिग्री सेल्सियस हो गया था। वैक्सीन ने दूसरे चरण के बाद उसके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। वो अब अच्छा महसूस कर रही हैं। पुतिन के इस बयान के बाद उनकी निजी जिंदगी के कुछ रहस्यों से पर्दा उठने लगा है, और आने वाले समय में ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। हालांकि तस्वीर की सत्यता को प्रमाणित करने का काम पुतिन करेंगे या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है।